मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर सीट से टीएमसी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव मिनी चक्रवर्ती ने भाजपा के प्रोफेसर अनुपम हजारे को भारी मतों से मात दी है। मिमी का ये अनुपम हजारे को 295,240 मतों से हराया है। मिमी चक्रवर्ती बंगाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। अपनी खूबसूरती से, जादू से फिल्मी दुनिया में कमाल दिखाने वाली मिमी चक्रवर्ती का राजनीति में यह पहला कदम था और अपनी इसी पहली पारी में मिमी ने बंगाल के जाधवपुर सीट पर अपनी जीत कायम कर ली है। मिमी को राजनीति में पहले कभी कोई खास रुचि नहीं थी। अपने एक इंटरव्यू में मिमी ने बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कभी चुनाव भी लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगी। मिमी कहती है कि जब ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम घोषित किया तो वो दंग रह गई क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मिमी ने कहा, अगर मैं जीत गई तो अपने एक्टिंग करियर और सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बराबरी से निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। ममता दीदी भी इस सीट से लड़ चुकी हैं चुनाव। टीएमसी के लिए जाधवपुर लोकसभा सीट हमेशा से अहम सीट रही है। ममता बनर्जी ने 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव इस सीट से भारी वोटों से जीता था। इस चुनाव में उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को हराया था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले मिमी को टीवी सीरियल गानेर ओपारे से बेहद लोकप्रियता मिली, जिसमें बाद में मिमी ने फिल्मी दुनिया की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। मिमी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 2012 में बापी बारीजा फिल्म से की थी। उनकी पहली हिट फिल्म बोझे न से बोझे न है। इस फिल्म के बाद मिमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने प्रोलॉय, गोल्पो सेटी, पोस्तो, सुधो तोमारी और भी कई हिट फिल्में दी हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.